January 6, 2019 weekly sum ups for Ayurveda and Ayush global audiences. Presented by Dr. Deshbandhu Vajpayee, inventor and chief ETG Ayurveda scan. In this week, from 31st December 2018 to 6th January 2019, arthritis, Ayurveda Ayush care and cure, Gathiyabad Ayurveda Ayush ilaj. Presented by Dr. Deshbandhu Vajpayee, Kanpur Kanak Polytherapy Clinic. Hello, Namaskar. मैं डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर 67/70 भूसा टोली रोड बर्तन बाजार कानपुर से बोल रहा हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 8604629190 है और आप इस पर मुझसे बात कर सकते हैं। आज मैं आपको गठियाबाद के बारे में जानकारी दूंगा और उसका आयुर्वेदिक और आयुष उपचार बताने का प्रयास करूंगा। गठियाबाद जोड़ों से संबंधित बीमारी है। ये घुटने के जोड़ हैं, ये देखिए घुटने हैं, ये इधर भी घुटने हैं। ये घुटने के जोड़ से संबंधित बीमारी है जो पैरों की लचक को, ये पैर नीचे की तरफ जब झुकते हैं तो उसमें ये मुड़ नहीं पाते हैं और इसलिए ये घुटने से संबंधित तकलीफ है। ये जो घुटने हैं, ये पीछे का हिस्सा है और ये सामने का हिस्सा है, तो ये जो पैर के जोड़ हैं, ये इसकी सबसे तकलीफ दे बीमारी है। हालांकि ये दूसरे भी जोड़ हैं, इनमें कंधे के जोड़ हैं, इनमें भी दर्द होता है, लेकिन मूल रूप से जो है ये नी ज्वाइंट की जो गठियाबाद होती है उसको आम तौर पर आम बोलचाल की भाषा में गठियाबाद कहते हैं। इसे और अच्छी तरीके से समझने के लिए इस दूसरे मॉडल में देखिए। ये दूसरा मॉडल है, ये पैर के मांसपेशियां हैं, ये बाहर का हिस्सा है और ये घुटना है। इसको पीछे से भी देखिए, ये काफ मसल्स है और इसमें काफ मसल्स में आपको ये दोनों जोड़ के बारे में दिखाई भी पड़ेगा यहाँ पर भी। और ये सामने से आप देखिए, ये जोड़ का हिस्सा है और इसमें मांसपेशियों में आप देखिए कि किस तरह से इसकी बनावट होती है। तो ये जो नी ज्वाइंट है, इस नी ज्वाइंट की तकलीफ को ही गठियाबाद ज्यादातर कहा जाता है और आमतौर पर यही गठियाबाद से आर्थराइटिस को समझते हैं। इस मॉडल से भी आप समझ सकते हैं कि ये गठियाबाद से जो मांसपेशियां होती हैं वो किस तरह से घुटने की मांसपेशियां होती हैं और ये किस तरह से मांसपेशियां जुड़ती हैं, झुकती हैं और इनमें जो इसके कार्यकलाप होते हैं वो किस तरह से वो क्रियाशील होते हैं, ये आप इसको देख के इसको समझ सकते हैं। और ये घुटने की मांसपेशियों का एक मॉडल के जरिए आपको दिखा रहे हैं। तो उसी तरह से ये जो ब्लड सप्लाई है, इस ब्लड सप्लाई को भी देखिए। ये घुटने की ब्लड सप्लाई है, ये इसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरह से इसमें मांसपेशियों के साथ साथ जो रक्त संचार होता है वो किस तरह से है। इस स्केलेटल मॉडल से भी आप समझ सकते हैं कि गठियाबाद जो ये जोड़ होते हैं, ये इसके पैर के ये दोनों जो जोड़ होते हैं ये अफेक्टेड होते हैं और ये जोड़ों की तकलीफ है। ये दोनों जोड़ हुए, एक ये जोड़ है और एक ये जोड़ है, तो इसमें मुड़ने में ये जो मोड़ होते हैं, इसमें मुड़ने में या फैलने में या बैठने में जो दिक्कतें आती हैं वो ये शो करता है। और इसको देखने से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये तकलीफ जो है जो गठियाबाद की है वो इसकी है। ये जो जोड़ है, ये दोनों जोड़ है, ये इसकी प्रॉब्लम है और इसमें जो मांसपेशियां होती हैं
जो हमारे पूरे शरीर के हिस्से से इधर की तरफ जुड़ी हुई होती हैं, पूरे पूरे शरीर से जो जुड़ी हुई होती हैं, ये यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये सामने की तरफ और पीछे की तरफ, ये उनकी मिलीजुली और सामूहिक समस्या भी हो सकती है, ऐसा गठियावाद के रोगियों में देखा गया है। गठियावाद का इलाज आयुर्वेद और आयुष चिकित्सा पद्धति में सबसे बेहतर किस्म का है, और इससे बेहतर इलाज किसी दूसरी चिकित्सा विधियों में नहीं है, इसलिए आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी के सम्मिलित चिकित्सा व्यवस्था करने से गठियावाद चाहे जैसी भी हो वो ठीक अवश्य होती है, और उसमें अगर कोई परिवर्तन भी होते हैं तो भी आयुर्वेद आयुष की चिकित्सा करने से ये ठीक होते हैं। तो ये आयुर्वेद के दोषों के हिसाब से जो वात पित्त और कफ, ये तीन दोष होते हैं, इनके अलावा जो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये धातुएं होती हैं, और जो मल हैं इनके विकृत के कारण ये तकलीफ होती है, और इन सब बातों का पता लगाने के लिए आयुर्वेद के आधुनिक तकनीक ETG, आयुर्वेदा स्कैन और आयुर्वेद के रक्त परीक्षण और आयुर्वेद के मूत्र परीक्षण करने से ये पता लग जाता है कि जो आर्थराइटिस की जेनेसिस है वो कहाँ से है। इसका पता लगने के उपरांत जब आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी की मिलीजुली चिकित्सा करते हैं तो गठियावाद किसी भी अवस्था का हो वो अवश्य ठीक होता है। हमारे चिकित्सा केंद्र कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर में जितने भी गठियावाद के रोगी आए हैं वो सभी ठीक हुए हैं, और उनको सबको आराम मिली है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ लाइलाज बीमारियों के इलाज करने का केंद्र है, और हम आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा का उपयोग करके चिकित्सा कार्य करते हैं, जिससे हमें सफलता मिलती है। अगर आपके परिचय में कोई रोगी ऐसा है जो इलाज कराते कराते परेशान हो चुका है और उसको लगता है कि क्या किया जाए, तो उसे हमारे संस्थान के बारे में अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी बताएं। आप स्वयं आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के बारे में लोगों को जानकारी दें। धन्यवाद। कॉन्टेक्ट फॉर आयुर्वेदा एंड आयुष इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर, 67/70 भूसा टोली रोड, बरसन बाजार, कानपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया। मोबाइल नंबर 8604629190। थैंक यू। कैंडिडियासिस, त्वचा का फंगल इन्फेक्शन, आयुर्वेद और आयुष उपचार, प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर। हेलो, नमस्कार, मैं डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर, 67/70 भूसा टोली रोड, बर्तन बाजार, कानपुर, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको एक नई बीमारी जो फंगल इन्फेक्शन से पैदा होती है उसके बारे में आपको बताऊंगा। उस बीमारी का नाम है कैंडिडियासिस, यानी कि ये एक फंगल बीमारी है, ईस्ट के फंगस फंगल इन्फेक्शन से होती है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। हमारे शरीर में बहुत तरह के फंगस होते हैं जो वातावरण से शरीर में आ करके पैदा होते हैं और वहां पर बढ़ती रहती हैं, क्योंकि ये फंगस ऐसी होती हैं जो गोश्त के ऊपर फैलने में बहुत तेजी से अपना असर दिखाती हैं। ये एक तरह का इन्फेक्शन होता है, और बहुत तरह के फंगस होते हैं जिनमें एक फंगस होती है कैंडाइडा। कैंडाइडा फंक्शन के होने से, फंगस के होने से,
कई तरह की तकलीफें पैदा होती हैं जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। कैंडाइडा एक तरह की ईस्ट होती है जो सामान्यतया मुख में, यानी ये मुख के ये दोनों हिस्से हैं, या जीभ है या गला है, यहाँ पर होती है और त्वचा के ऊपर, जो ये हमारी त्वचा है इसके ऊपर के हिस्से में रहती है और इसी पर आश्रित होती है। इसके रहने से, सामान्यतया रहने से कोई समस्या नहीं पैदा होती है, लेकिन जब वातावरण यानी ठंडक और गर्मी का अनुपात ऐसी स्थिति में हो जाता है, जब यीस्ट को बढ़ने या उसको और अधिक मल्टीप्लाई करने का मौका मिले, तब यह त्वचा और अन्य जगहों पर रहने वाली फंगस को मल्टीप्लाई करती है और फिर ये अपने आकार प्रकार में बढ़ती है। जब ये बहुत अधिक मात्रा में अपना आकार बढ़ा लेती है तो इसके इन्फेक्शन को कैंडिडियासिस कहते हैं और ये कई तरह की होती हैं और इसके इन्फेक्शन के स्थान के अनुसार इसकी पहचान कायम की गई है। कैंडाइडा फंक्शन का सबसे प्रचलित रूप है थ्रस, यानी ओरोफेरिंजियल कैंडिडियास। कैंडाइडा इन्फेक्शन फंगस के लक्षण निम्न अनुसार होते हैं, इस तरह से बताए गए हैं। एक सफेद पैच या पीला पैच, जीभ, होंठ, मसूड़े या रूट ऑफ माउथ, या ये चीक्स के अंदर की तरफ पड़े हो सफेद या पीले पैच, एक तो ये। दूसरा, गले में और मुख में लाल चकत्ते पड़े हो जिनमें दर्द और टीसन होती हो, ये एक दूसरा लक्षण है इसका। तीसरा है मुख, यानी ये मुख है और ये मुख के किनारे हैं, ये दोनों मुख और होठों के किनारों पर त्वचा क्रैक हो जाए, ये क्रैक्स जैसे हो इधर की तरफ। बहुत से लोगों का आपने देखा होगा कि उनके क्रैक हो करके ये सफेद सफेद जो है वो थूक ऐसा उनके बाहर निकला करता है, तो ये कैंडाइडा का इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है। और जब ये कैंडाइडा का इन्फेक्शन बहुत अधिक होता है, गले तक होता है, तो फिर जो खाना खाते पीते हैं उसमें निगलने में तकलीफ होती है, गले से नीचे भोजन उतरने में दिक्कत होती है जब ये इन्फेक्शन काफी फैल जाता है। इसके अलावा कैंडाइडा का इन्फेक्शन शरीर के बहुत से अन्य हिस्सों में पैदा होता है, जिनमें कि हमारे बगल में है, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, हमारे कमर के नीचे के हिस्से हैं, यहाँ पर और भी बहुत से स्थान होते हैं जहाँ पर कि कैंडाइडा का इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन होता है। ये एक ठीक होने वाली बीमारी है और लाइलाज नहीं है। इसका आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक और यूनानी उपचार करने से ये बीमारी जड़ बुनियाद से ठीक हो जाती है और दोबारा होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। एक बार जब ये ठीक होता है तो फिर दोबारा होने की संभावनाएं कम होती हैं और इसका मुकम्मल इलाज आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी में है। तो ये रहा कैंडिडियासिस बीमारी के परिचय के बारे में, मैंने आपको बहुत थोड़े में बताने का प्रयास किया है और उनकी सिम्पटम्स को बताने का आपको एहसास कराया है कि किस तरह से इसकी पहचान की जाए। हमारे रिसर्च केंद्र कनकपाली थेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर में सभी तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी तरह की हो। हमारे यहाँ आधुनिक इलेक्ट्रो त्रिदोषोग्राफी यानी ईटीजी आयुर्वेदा स्कैन के आधार पर परीक्षण करते हैं। आयुर्वेद के विकसित किए गए रक्त परीक्षण और आयुर्वेद के विकसित किए गए मूत्र परीक्षण के निष्कर्ष के आधार पर
औषधियों का चयन और बीमारियों का निदान सटीक होता है। आपका अगर कोई परिचित ऐसी बीमारी से जूझ रहा है जिसका इलाज कराते कराते वो परेशान हो चुके हैं, तो उन्हें हमारे केंद्र के बारे में बताइए, हमारी उपचार की विधियों के बारे में बताइए। हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। आयुर्वेदा एंड आयुष थेरेपी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट अवेलेबल आयुर्वेदा डायग्नोसिस हाईटेक। वोकल कार्ड डिजीजेस, स्वर यंत्र की बीमारियां और उनका आयुर्वेदिक आयुष उपचार। प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी कनक पाली थेरेपी क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर कानपुर। हेलो, नमस्कार, मैं डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी कनक पाली थेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर 67/70 भूसा टोली रोड बर्तन बाजार कानपुर उत्तर प्रदेश भारत से बोल रहा हूँ और मेरा मोबाइल नंबर 8604629190 है। आज मैं आपको वोकल कार्ड से संबंधित यानी स्वर यंत्र से संबंधित बीमारियों के बारे में चर्चा करूंगा और इसके बारे में बताऊंगा। हमारे सबके लिए ये जानना और समझना जरूरी है कि सामान्य वोकल कार्ड या स्वर यंत्र किस तरह का होता है। प्रस्तुत चित्र में आप सामान्य स्वर यंत्र का चित्र देख रहे हैं और इसकी विकृति आपको आगे समझ में आएगी जब मैं आपको बताऊंगा। सामान्यतया यही स्वर यंत्र हम लोगों को और सभी को आवाज देते हैं और स्पष्ट आवाज इनसे सुनने को मिलती है। इस चित्र में लैरिंजियल पैपिलोमा दिखाया गया है कि लैरिंग्स का किस तरह से पैपिलियोमा यानी उसमें गांठें बनती हैं और फिर वो गांठें किस तरह से वोकल कार्ड को प्रभावित करती हैं और हमारी आवाज में परिवर्तन पैदा करते हैं, तो इसे लैरिंजियल पैपिलोमा कहते हैं। यह इसी नाम से जानी और समझी जाती है और ये एक तरह की वोकल कार्ड और लैरिंग्स की बीमारी है। इसी तरह की एक और बीमारी होती है जिसे गले के कैंसर को बताते हैं, ये कार्सिनोमा ऑफ लैरिंग्स है यानी वोकल कार्ड का या गले का जो कैंसर है वो इस तरह का होता है और इसको इसी वजह से पहचानते हैं। इसको देखिए और समझिए कि गले का कैंसर क्या होता है। यहाँ आप देखिए इन्फ्लेमेटरी ओएडिमा ऑफ लैरिंग्स, जिसमें लैरिंग्स में और वोकल कार्ड में सूजन आकर के छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं और जिनकी वजह से आवाज में बदलाव आ जाता है यानी आवाज में परिवर्तन होता है और इसे कैंसर समझा जाता है। जिनकी आवाज बंद हो जाती है उनको यही बीमारी समझना चाहिए। तो ये रहा आज का कार्यक्रम जो गले से संबंधित, वोकल कार्ड से संबंधित, लैरिंग्स एंड वोकल कार्ड दोनों से संबंधित जो गंभीर बीमारियां होती हैं उनके बारे में आपको समझाने का प्रयास किया गया है और इसे समझिए और देखिए। हमारे रिसर्च केंद्र में गले से संबंधित और लैरिंगो फेरिंजियल बीमारियों से संबंधित जो भी तकलीफें होती हैं उनका आयुर्वेदिक और आयुष उपचार करने से ये बीमारियां अवश्य ठीक होती हैं। इसलिए जो भी आपको या आपके संबंधित लोगों में कोई भी हो जो इसे लाइलाज बता दिया गया हो तो आप हमारे यहाँ की सेवाएं ले सकते हैं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी बताएं तथा आयुर्वेद और आयुष की चिकित्सा विधि को प्रचारित और प्रसारित करने में हमारी मदद करें। धन्यवाद। कॉन्टेक्ट फॉर आयुर्वेदा एंड आयुष इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट
कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर 67/70 भूसा टोली रोड बर्धन बाजार कानपुर यूपी इंडिया। आप हमारी वेबसाइट slideshare.net/DrDBWajpayee पर जा करके हमारे द्वारा प्रकाशित की गई ईटीजी आयुर्वेदा स्कैन पर लिखी गई किताबें मुफ्त में डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। एबॉर्शन मिसकैरियज असमय गर्भपात आयुर्वेदा आयुष क्योर प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी इन्वेंटर एंड चीफ ईटीजी आयुर्वेदा स्कैन इन्वेस्टिगेटर। हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर 67/70 भूसा टोली रोड बर्धन बाजार कानपुर से बोल रहा हूँ और आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको महिलाओं के रोग एबॉर्शन मिसकैरियज या असमय गर्भपात के बारे में जानकारी दूंगा। मिसकैरियज और एबॉर्शन में जो बुनियादी अंतर है वो ये है कि अगर 3 महीने के गर्भ का समापन हो जाता है, कुदरती तौर पर समापन हो जाता है, तो उसे मिसकैरियज कहते हैं यानी गर्भस्राव कहते हैं। और अगर 3 महीने के बाद अगर गर्भ का समापन होता है तो उसे एबॉर्शन कहते हैं। कितना फर्क है, इसके बहुत से कारण होते हैं और उनमें जो मुख्य कारण है वो ये है कि पति और पत्नी की बहुत छोटी उम्र में संतान होना, तेज बुखार, चोट या आघात लगना, चेचक, खुजली और अधिक जोर से हंसना, अधिक जोर से रोना, भय से चिल्लाना आदि कारणों से गर्भस्राव होता है। मानसिक दुख या गहरा शोक, क्रोध, भय, अपमान, अधिक शारीरिक परिश्रम, विरेचक औषधियों का सेवन, ठंडक लगना, ऐसी सड़क पर चलना जो बड़ी उबड़ खाबड़ हो और जिसमें बहुत धचके लग रहे हो, बैलगाड़ी है, रेलगाड़ी है इत्यादि वाहन जो बहुत झटके के साथ चलते हैं और दूर की यात्रा करते हैं, उनमें गर्भस्राव की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा इन्फेक्शन के रोग हैं जो कोई भी हो सकते हैं, HIV है, VDRL है या उपदंश है, सिफिलिस है, और भारी वस्तु उठाने से, खून की कमी से, उछलने और कूदने आदि से तथा अत्यधिक मैथुन करने से भी गर्भस्राव की संभावना रहती है। और इसके अलावा अगर बहुत अधिक ठंडक लगी या लू लग जाती है, मलेरिया है, मूत्र संबंधी रोग है या बहुत सी ऐसी तकलीफें होती हैं जो जेनेटिक्स से संबंधित होती हैं, उनके होने से बार बार गर्भस्राव होने की या गर्भपात होने की समस्या महिलाओं के साथ में बनी रहती है। ये एक ठीक होने वाली बीमारी है, गर्भस्राव और गर्भपात। अगर आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा विधियों द्वारा इलाज किया जाता है तो ये तकलीफ जड़ बुनियाद से ठीक हो जाती है और महिलाएं स्वस्थ बच्चों को जन्म दे सकती हैं। इसलिए जिन्हें ये तकलीफ हो वो आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा विधियों का इस्तेमाल करके अपनी इस गर्भस्राव और गर्भपात की जो टेंडेंसी है उसको रोक सकती हैं और ठीक कर सकती हैं। हमारे चिकित्सा केंद्र कनक पॉलीथेरेपी क्लिनिक एवं रिसर्च सेंटर में ऐसी महिलाओं की जिनके गर्भपात और गर्भस्राव की
मिसकैरियज या एबॉर्शन की, अननेचुरल एबॉर्शन की तकलीफ हो, उनका इलाज आधुनिक आयुर्वेद की नई तकनीक इलेक्ट्रोत्रिदोसोग्राफी ईटीजी आयुर्वेदा स्कैन और आयुर्वेद के अन्य परीक्षणों के आधार पर जेनेसिस का पता लगा करके किया जाता है। अगर आपके परिचय में कोई ऐसी तकलीफ हो जो लाइलाज बता दी गई हो, उसको हमारे चिकित्सा केंद्र के बारे में बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आयुर्वेद के प्रचार प्रचार में आप सभी लोग भागीदार बने। इस वीडियो के बारे में दूसरे लोगों को भी बताएं। धन्यवाद। कॉन्टेक्ट फॉर आयुर्वेदा एंड आयुष एंड इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट टू डॉक्टर डीबी वाजपेयी। गुणकारी गरम मसाला, गरम मसाला टिप्स, घर में रखने वाले या साग सब्जी के लिए इस्तेमाल करने वाले गरम मसाले के बारे में डॉक्टर देशबंधु वाजपेयी कनक पाली थेरेपी क्लिनिक कानपुर से आपको बता रहे हैं। और गरम मसाला एक तरह का खाना पकाने का मसाला है, खाने के साथ में इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका उपयोग भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए अधिकतर किया जाता है। और इसका प्रिपरेशन जो भी है वो खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए तो है ही, आयुर्वेद के जो सिद्धांत है उनके आधार पर भी इसका उपयोग करते हैं। और जो आयुर्वेद के सिद्धांत है वात पित्त कफ, उनमें जो गरम मसाले में औषधियां उपयोग की जाती हैं या हर्ब्स उपयोग की जाती हैं, वे आयुर्वेद में औषधियों के तौर पर ही उनका भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जो गरम मसाला है वो गरम मसाला भोजन तो है ही, साथ में ये औषधियों के लिए भी कार्य करता है और इसलिए इसका उपयोग घर में, चूंकि ये उपस्थित है घर में रहता है, इसलिए इसका उपयोग भोजन में तो करते ही हैं, औषधियों में भी कर सकते हैं। इसलिए ये आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि गरम मसाले का उपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी आए दिन परिवार में तकलीफें हुआ करती हैं, गाहे बगाहे उसका कोई समय नहीं होता है, तो ऐसी स्थितियों में बहुत सी तकलीफें ऐसी होती हैं कि उस समय डॉक्टर ना मिले या कोई आपको मदद ना मिले। सारी चीजें आपके किचन में रखी हुई हैं लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर जानते हैं या उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो ये बताने का इस वीडियो में प्रयास किया गया है। और कुछ ऐसी तकलीफें हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है जो कि आम तौर पर देखने में आती हैं और बहुत ही शीघ्रता से उनको इलाज के लिए जरूरत भी पड़ती है। इसलिए कुछ एक बहुत ही कॉमन तकलीफ है इंडाइजेशन की और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की, यानी अगर आप कुछ खाते पीते हैं और बदहजमी अगर आपको होती है तो आप गरम मसाले का उपयोग कर सकते हैं। इसमें गरम मसाले को 1 या 2 या 3 ग्राम ले करके और जैसा कि इसमें बताया गया है आप उसका सेवन करें, उस सेवन करने से जो इंडाइजेशन है यानी अजीर्ण, इसी तरह से एसिडिटी और पेट में गैस बन रही हो तो गरम मसाले का उपयोग कर सकते हैं। गरम मसाला 3 ग्राम, काला नमक 1 ग्राम, इसको नींबू के रस के साथ में 3 चम्मच नींबू का रस पानी में मिला करके, गुनगुने पानी में मिला करके सुबह और शाम खाने से जो भी गैस की तकलीफ है या पेट दर्द है और दूसरी परेशानियां है वो दूर होती हैं और ये बड़ी मुफीद औषधि है। किसी भी तरह की स्किन डिसीज होने पर यानी त्वचा का कोई भी रोग हो, उस रोग को दूर करने के लिए गरम मसाले का उपयोग कर सकते हैं। इसमें करना ये चाहिए कि गरम मसाला 3 ग्राम और हल्दी का पाउडर 3 ग्राम,
दोनों मिला करके सुबह और शाम सादे पानी से दो बार दिन में खाना चाहिए खाली पेट, इससे फायदा होता है। इसी तरह से गरम मसाले का उपयोग डायबिटीज के रोग में भी कर सकते हैं। इसमें गरम मसाला 2 ग्राम, हल्दी पाउडर 3 ग्राम और सौंठ का पाउडर 3 ग्राम लेकर के सुबह शाम सादे पानी से 2 बार खाना चाहिए। इससे डायबिटीज के रोग में फायदा मिलता है और शुगर का लेवल धीरे धीरे कम होता है तथा लीवर और किडनी की जो भी तकलीफें होती हैं वो दूर होती हैं। कॉन्टेक्ट फॉर ट्रीटमेंट 8604629190 कनक पाली थेरेपी क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर कानपुर UP।